बेटा बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता? बस मस्ती की भी कोई हद होती है। अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पर मास्टर जी तो कभी बिना वजह छुट्टी नहीं देते। छोड़ो ना भीम, अब जब छुट्टी दे ही दी है तो ढोलो और भोलो से बहस करने का क्या फायदा? छुट्टी आ गई। मास्टर जी, आप? हाँ, मैं। तुम बच्चे तो आज स्कूल आए नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन मास्टर जी, आज तो छुट्टी है ना? क्यों, आज तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, आपका जन्मदिन है। हाँ, मेरा जन्मदिन? अब क्या बोल रहे हो? लेकिन मास्टर जी, भोलू और भोलू ने हमसे कहा कि आज छुट्टी है। झूठ मत बोलो, उन दोनों बेचारों पर इल्जाम मत डालो। सिर्फ वो दोनों ही स्कूल आए थे। तुम सबको दंड मिलेगा। जानता हूँ, अब बस किसी के आने की देर है। मुझे लगता है ये हमारे जाल में फंस जाएगा। वाह, सिक्का! कहीं कोई देख तो नहीं रहा? तो फिर ये सिक्का मेरा। बोलो, रस्सी खींचो। सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? बस मस्ती की भी कोई हद होती है। माफी नहीं मिलेगी, बल्कि दंड मिलेगा। अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। Thank you.
पूरे गांव को हुआ है। हाँ, अभी महल में चलो। भीम, तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना होगा। फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो चले। तो हो गई अदला बदली। मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई। हाँ, हमें सबक मिल गया। अब हमें पहले जैसा बना दीजिए। लेकिन इसमें तो सिर्फ दो तीन बूंद है महाराज। साधु जी बताइए, इस शीशी को हम कैसे भरें? पानी से। लेकिन वो पानी ना समंदर का हो ना नदी का, ना कुएं का हो ना ही बारिश का, ऐसे पानी की बस एक ही बूंद काफी होगी। शुक्रिया। शायद ये तरकीब काम कर जाए। मैंने फैसला कर लिया है, क्योंकि ढोलू और भोलू से ये गलती हुई है, मैं सिर्फ कालिया, चुटकी, राजू और जग्गू को ही ठीक करूंगा। मिल गया ऐसा पानी जो ना नदी का हो ना समुद्र का। पहले वादा करो कि तुम ऐसा फिर से नहीं करोगे। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे भीम, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश भीम। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। लड्डू का शौक